बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। चिकन टिक्का रब बनाने हैं हमने, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। जिसके लिए हमें चाहिए है चिकन, चिकन फिलेट लिया है हमने, स्ट्रिप कट करवाया था, और जिंजर गार्लिक, योगर्ट, लेमन जूस, चिकन टिक्का पाउडर, रेड चिली, सॉल्ट और कश्मीरी चिली ली है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, क्रश चिली है। कश्मीरी चिली ऑप्शनल है, ये हमने सिर्फ कलर के लिए यूज़ करनी है। अगर आप फूड कलर नहीं यूज़ करना चाहते तो ये यूज़ कर लें। हमने फूड कलर अवॉइड किया है इसलिए हमने ये डाली है। अगर आपको कोई मसला नहीं है कलर से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं डालें, बाकी के स्पाइसेस भी ठीक हैं, ज़रूरी नहीं है। मतलब थोड़ा कलर डार्क आ जाएगा ना इसका, इसलिए हमने लिए। अब इस सबको मैरिनेट करेंगे, उस मैरिनेट करके थोड़ी देर रखना चाहिए, लेकिन हम आज रखेंगे नहीं, हमने साथ ही अभी बनाना है। लेकिन अगर आप घंटा या हाफ एन आवर कम अज़ कम इसको रख ले मैरिनेट करके तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट बन जाता है उसका, क्योंकि अंदर चीज़ें जज्ब हो जाते हैं, मसाले वगैरह अच्छी तरह। अब ये सारे योगर्ट और ये अपना लेमन जूस, लहसुन अदरक सारा कुछ ना डाल के उसको पहले मिक्स कर लेंगे, इसका बैटर तैयार कर लेंगे। पहले टिक्का मसाला बनाना जो उसका, तो फिर इसके अंदर हम चिकन डाल के उसको बहुत अच्छी तरह से जैसे उसको लगा लेंगे, चिकन का मसाज कर देंगे, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके नहीं रखना, तो इसलिए ज़रा अच्छी तरह से उसको लग जाए ना सारे पीसेस को। और स्ट्रिप कट हमने जानबूझ के करवाया है क्योंकि वो रैप्स के अंदर लगाना है ना, तो ज़रा लंबाई में फिर वो ईजी रहता है, उसको बच्चों को लिए खाना भी ईजी रहता है, ऐसे होल्ड करना सही रहता है, छोटे पीसेस में फिर वो वाइट वगैरह करे तो मिलते हैं। बाकी आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ऐसे ही लें। वैसे आपको शेयर किया आपके साथ ना कि हम इसलिए प्रिफेयर करते हमें हैं, हमें ऐसे अच्छा लगता है जी। अब जो सारा मसाला इसको अच्छी तरह से लगा के ना हमने आज साथ ही कुक कर लेना है, थोड़ा टाइम के लिए रख लें इसको, 1 आवर के लिए। बस अच्छी तरह से मिक्स करके साथ ही हम इसको ना आज कुक करना है, तो भी पान के अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। टेबल स्पून ऑयल आई थिंक अनफ ही है, बहुत ज़्यादा नहीं करना इसको यार, ठीक है ना। अब चिकन इसके अंदर डाल के बिस्मिल्लाह, अब ये सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चिकन ज़्यादा लिया है, आपको हम मैरिनेशन 1 kg के हिसाब से बता देंगे, आपके डिस्क्रिप्शन में ना पूरी रेसिपी मिल जाएगी जी, वो तो चेक कर जो कि मसाला वगैरह कितना कितना हमने डाला है। अगर आपने उससे भी कम करना हो तो फिर आप सारा कुछ क्वांटिटी सब चीज़ों की हाफ कर सकते हैं। फिलहाल आँच इसकी ज़रा तेज़ ही रखनी है, वरना फिर चिकन फौरन से योगर्ट है ना तो वो पानी छोड़ देता है, फिर वो काफ़ी टाइम लगाता है ड्राई होने में। देखिए हमारा चिकन अब कुक हो रहा है ना, तो उसने ज़ाहिर अंदर योगर्ट भी है और चिकन खुद भी पानी अपना रिलीज करता है, तो ये ऐसे पानी होता है। हम इसको ना फुल आग पे रखेंगे जैसे कि इसको बिल्कुल बस ड्राई कर लेना है। साथ साथ हम सैलेड कट कर रहे हैं, ये भी अंदर लगाएंगे रात के चिकन लगा के ना। हम लगाते हैं, हमारे बच्चे नहीं लगाते, हम ये लगाते हैं साथ, हम चिप्स भी लगा लेते हैं, जब बनाएंगे तो आपको साथ साथ दिखाएंगे। अब साथ साथ हम अपने फ्राई भी अंदर डाल लेंगे, साथ साथ ये भी बन लें। हमारे बच्चे जो काम करते हैं फ्राई एयर फ्राई, आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एयर फ्राई में मतलब करने हैं।
मुझे डीप फ्राई और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप अवन में भी कर सकते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं है, फ्राई कर लें उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। बेकिंग ग्रेवेड, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं अपना ऐसे के फ्राइंग से प्रॉब्लम है तो आप उसको बेक कर सकते हैं, बेकिंग ट्रे में डाल के प्री हीटर डबल में रख दें। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है, सारा जो पानी रिलीज हुआ था सारा ड्राई हो चुका है। अब बस अब उनको साइड कर लेंगे और अब उनको सेंड करेंगे। अब हम अपने रैप को बनाएंगे, फिर इसको इलेक्ट्रिक वाले ग्रिल में रखेंगे ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए और ऐसे फिर गिरता भी नहीं हमारे, ईजी रहता है बच्चों के खाने के लिए ना। आप हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखना। हमने टू टाइप की चीज़ ली है, दो कलर वाली, कुछ बच्चे हमारे वो वाली खाते हैं वाइट वाली, कुछ दूसरी डार्क वाली खाते हैं। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे, हमने पहले की ओवन की हुई है, गर्म है, जब तक दूसरा रेडी कर लेंगे। अब हमारे रैप्स रेडी हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब बेक के अंदर हम चिप्स लगाएंगे, कुछ के अंदर हम लगा लेंगे चिप्स फ्राई किए वाले और कुछ बच्चे साथ खाएंगे। इसको बस थोड़ा सा इसमें ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के। कि अगर आपने पान में उनको करना है तो थोड़ा सा ज़रा से प्रेस कर दे ज़रा। अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक वाली ग्रिल नहीं है तो वैसे भी बना सकता है। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट लगे होंगे एक साइड को, ऐसे थोड़ा सा इसे प्रेस कर देना तो फिर वो सारा कुछ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर खुलेगा नहीं जरूर। ऐसे करके फिर ये हो जाता है कि बच्चों को पकड़ के खाना भी ईजी रहता है। ये हमारे रैप्स रेडी हो चुके हैं, ये वो हैं जो हमने पैन के ग्रिल पैन के अंदर किए हैं और ये वो हैं जो हमने इलेक्ट्रिक ग्रिल के अंदर किए हैं। दोनों तरह से ही आप बना सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है, आप वैसे कुकर के ऊपर भी बना सकते हैं। ये भी देखे मतलब अच्छे से हो गए हैं सेट ना, बिखरता नहीं है। इसके अंदर बच्चों के लिए है, इसमें हमने नहीं डाला है सलाद वगैरह, उसमें सारा कुछ डाला हुआ है। तो इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो का एंड करते हैं, इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। आइंदा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।